अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कुतैबा महमूद विद हालात अपडेट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। भाई जैसे कि आपको पता है कि हम हमेशा आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, चाहे वो जब कोविड का टाइम हो, जब सारी इंडस्ट्री बंद हो रही थी, लोग बेरोजगार हो रहे थे, इवन के प्राइम मिनिस्टर ने ये तक कह दिया था कि इफ़ यू कैन नॉट सपोर्ट योर सेल्फ प्लीज़ अपने मुल्क वापस चले जाएँ, हमने आपको वो अपडेट भी दी थी। उसके बाद वो हाल हुआ जब 2021 के एंड और 22 में इतनी जॉब्स हो गई थी कि जो देसी रेस्टोरेंट्स थे वो जो 2013 या 12 में $8 पर आवर देते थे वो $25 देने को राजी थे, फिर भी लोग काम नहीं कर रहे थे उनके पास। हमने आपको वो अपडेट्स भी दी कि स्टूडेंट्स जो ऊबर ईट्स पे $250 से $450 एक दिन के बना रहे थे, हमने आपको वो अपडेट भी दी थी। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि भाई हम आपको अभी की करंट सिचुएशन भी बताएं। तो भाई वेलकम टू हालात अपडेट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एडिशन अप्रैल 2023। जी जनाब, तो पिछले साल से लेके अब तक एक बहुत बड़ी तादाद में मास माइग्रेशन हुई है ऑस्ट्रेलिया की तरफ। पीपल केम हियर थ्रू डिफरेंट पाथवेज, स्टूडेंट वीजाज, परमानेंट रेजिडेंसी, वर्क वीजा, प्रोविजनल पीआर, एंड व्हेन आई एम सेइंग मास माइग्रेशन आई रियली मीन इट। मतलब भाई 600 से ज्यादा ऊपर लोग तो हम लेके आए, तो सोचें और कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग आए, मतलब हजारों की तादाद में लोग आए। अब जब इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं तो उससे इम्पैक्ट दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा मेन पड़ा है, अकोमोडेशन और जॉब्स। भाई अकोमोडेशन का इस टाइम पे ये हाल है कि किराए की जो प्राइसेज हैं वो डबल तकरीबन हुई भी हैं, इतना बुरा हाल हुआ है। नए लोगों को बहुत मुश्किल से घर मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से, और उसके साथ साथ अगर मिल भी रहा है तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो वक्ती तौर पे कभी कोई इधर रह रहा है, उधर रह रहा है, मतलब पक्का घर बहुत मुश्किल से मिल पा रहा है, एक तो नंबर वन ये। नंबर टू जॉब्स, जो और जॉब्स पे मेजरली असर पड़ा, तो जो बंदा एक स्टूडेंट अगर $300-$400 पिछले साल तक कमा रहा था, अब उनकी आमदनी कम हुई है। क्योंकि देखिए ना, जैसे एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे भाई 10 लोग खड़े होते थे डिलीवरी के लिए, अब 10 की जगह 200-300 लोग खड़े हो गए, तो फ़र्क तो पड़ेगा ना। खाने वाले तो उतने ही है ना, खाने वाले अभी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं लेकिन मेजरली लोग कमा ही रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इम्पैक्ट आया है। हम एक काम करते हैं, इस पे ज़रा अच्छे तरीके से इस पे बात करते हैं, थोड़ा सा इसका ब्रेकडाउन कर लेते हैं सिटी बाय सिटी, जो मेजर सिटीज़ हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ज़रा इस पे बात करते हैं। सबसे पहले भाई हम सबका फेवरेट पर्थ। पर्थ भाई ऐसा चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया वालों से ज़्यादा इसके बारे में पाकिस्तान वालों को पता है। किससे भी पूछो भाई ऑस्ट्रेलिया जाना अच्छा शहर बताओ, कहेगा भाई पर्थ चले जाओ, यूँ जॉब मिलेगी, पैसा ही पैसा और ठक करके पीआर है। तो अच्छा भाई क्या ये वाकई सही है? देखें पर्थ के बारे में चीज़ें मशहूर हुई थी वाकई, क्योंकि उनकी पॉलिसीज अच्छी चल रही थी और जो स्टूडेंट्स वहाँ पे रह रहे थे देवर मेकिंग गुड मनी, खर्चा भी कम था, सिडनी और मेलबर्न से खर्चा कम था वहाँ पे, है बल्कि अभी भी खर्चा कम और आमदनी ऑलमोस्ट उतनी थी, तो भाई क्यों ना जाएं हम पर्थ। तो लेकिन हुआ ये स्कीम भाई कोई 1.5-2 साल पहले आउट हो गई, और आउट होने के बाद भाई इतनी बड़ी तादाद में लोग पर्थ पहुंचे हैं कि हमने पर्थ को पिंडी बना दिया, लिटरली पिंडी बना दिया। ऐसा हाल हुआ है हर रेस्टोरेंट या गली मोहल्ले के बाहर हमारा बच्चा वहाँ पे एक ऊबर ईट्स का या डोरडैश का बैग लाद के घूम रहा है, ठीक है। तो अब उसका फर्क ये पड़ा, पर्थ की इतनी कैपेसिटी थी नहीं भाई, पर्थ है तो बड़ा रकबे के लिहाज से, कैपेसिटी थी नहीं भाई, बिजनेस भी उतने ही हैं, घर भी उतने, तो पर्थ में तो अकोमोडेशन का ये हाल है। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो 1.5-2 महीने से इस टाइम पे होटल में रह रहे हैं या टेम्प्रेरी अकोमोडेशन में रह रहे हैं, कोई पाकिस्तान गया हुआ है तो उसके घर पर रह रहे हैं, परेशान हैं, घर नहीं मिलकर दे रहे हैं। और जॉब्स का भी ऐसा ही हाल है, जॉब्स तो खैर 1-2 महीने बाद मिल ही जाती है, जॉब कुछ ना कुछ करके सेटिंग हो ही जाती है, लेकिन जो पहले वाली सिचुएशन जो हम कहानियां सुनते थे ना कि $300-$400 बन रहे हैं, वो सिचुएशन अभी नहीं है। हाँ अभी भी एक इंडस्ट्री सेट चल रही है पर्थ में जो कि सिक्योरिटी वाले हैं, वो अभी भी सेट चल रहे हैं, लेकिन अगले 6 महीने साल में उसका भी सीन खराब होगा क्योंकि ये स्कीम भी आउट हो चुकी है। ऊबर ईट्स और ये डोर डैश वगैरह का काम काफी ऑफ हो चुका है पर्थ के अंदर, प्लस फीसेस काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे, छोटे कॉलेजेस जो बैचलर्स मास्टर्स ऑफर कर रहे हैं वो कम हैं, कम या ऑलमोस्ट नन है। तो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं ECU, कर्टन, मुर्डॉक और ये यूनी एडलेड, ये मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं बड़ी ज़्यादातर जहाँ पे लोग आ रहे हैं। ये ना इनका हाल ये था कि एक एक हफ्ते में ऑफ़र लेटर देते थे या 2-2 दिन में हम ऑफ़र लेटर लेके आए। अभी सिचुएशन ये चल रही है कि 8 हफ्ते से लेके 12 हफ्ते तक हो चुके हैं, अभी तक ऑफर लेटर नहीं आया, ये हाल चल रहा है। तो लेकिन अभी भी लोग यहीं पे अप्लाई कर रहे हैं, 1.5 लाख से ऊपर एप्लीकेशन आई हैं पर्थ के अंदर, और ज़्यादातर लोगों का सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है ग्रुप्स। मैंने भी ग्रुप ज्वाइन किए हुए भाई, तो मैंने ग्रुप देखा, उसमें किसी बंदे ने लिखा हुआ है कि भाई मेरी फीस है कर्टन की $16,500, क्या ये फीस निकल आएगी? तो मैंने देखा लाइन से लोग लिखे, हाँ जानी आ जाओ निकल आएगी, टेंशन ही नहीं, फीस निकल आएगी। कहा यार ये माशाल्लाह सेटल्ड है, सही अच्छी मशवरा दे रहा है, प्रोफाइल चेक करो। प्रोफाइल खोला उसका, मियाँ चन्नू में बैठा हुआ है वो, कोई मियाँ चन्नू में, कोई झेलम में, अरे भाई कहाँ से बता रहा है। और प्रोफाइल में नीचे गया तो देखा उसने भी पोस्ट डाली हुई है, भाई मेरा 8 हफ्ते हो चुके हैं अभी तक मुर्डॉक का ऑफर लेटर नहीं आया, उसका खुद का अपना ऑफर लेटर नहीं आया, वो अगले को कह रहा है जानी आ जाओ कर्टन फीस निकल जाएगी। तो भाई प्लीज़ अपनी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से देखें, हालत अपडेट्स दे रहे हैं ना आपको। तो
बताने का मतलब ये डिस्करेज नहीं कर रहे, अगर आपकी पक्की सेटिंग नहीं है, कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं है पर्थ में जो कहे जानी आ जाओ, अकोमोडेशन भी है तुम्हारे लिए, घर रखी हुई है, जॉब भी रखी हुई है, तो ठीक है। अदरवाइज भाई आप पर्थ में जाके क्या कर रहे हैं आप? नंबर वन, एक तो आपका ऑफर लेटर इतनी देर में आ रहा है, उसके बाद आप फीस कैसे निकालेंगे ये समझे ना। हमें रियलिटी में रहना चाहिए, बिना वजह की फेरी टेल्स में ना जाएं भाई, आप फीस नहीं निकाल सकते, ये एक रियलिटी है, फीस नहीं निकाल सकते अंटे अनलेस आपका कोई जानने वाला बैठा हो जो आपकी सेटिंग कराए, या आपको घर से सपोर्ट हो। घर से सपोर्ट है तो कहीं भी चले जाओ, न्यूयॉर्क चले जाओ फिर तो भाई, ऑक्सफोर्ड चले जाओ, घर से सपोर्ट है तो मसला ही नहीं है। लेकिन भाई अगर आप उसी तरह के हैं, मीडियोकर मिडिल क्लास घराने से हैं, जिस तरह के ज़्यादातर लोग ऑस्ट्रेलिया आते हैं, बालों का क्या हो गया, तो भाई फिर मैं कहूँगा थोड़ा देखभाल के आएँ, एक बार ज़रा सेटिंग बना के आएँ। काफ़ी लोगों की मैंने पोस्ट देखी है इस टाइम पे, मेरी कल की फ़्लाइट है, मेरा अकोमोडेशन अभी तक नहीं हुई है। अरे यार तो तुमने कैसे फ़्लाइट कर ली? प्लीज़ इस तरह अल्लाह वास्ते वाला सीन ना करें। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, सिडनी और मेलबर्न के ऊपर आते हैं। सिडनी मेलबर्न को मैं कहूँगा, मेलबर्न लाहौर है, सिडनी कराची है, इंडस्ट्री बहुत है, कम्युनिटी बहुत बड़ी है, बिजनेस भरा पड़ा हुआ है, इन शहरों में भी माइग्रेशन हुई है भाई, लोग बहुत आए हैं यहाँ पे, बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हैं, इम्पैक्ट तो इधर भी पड़ा है, रेंटल में बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है यहाँ पे भी, इतनी आसानी से घर नहीं मिल रहे हैं। लेकिन ना इधर इनकी कैपेसिटी ज़्यादा थी, इनमें घर भरे पड़े हुए थे, फ्लैट्स बहुत बने हुए थे, तो घर मिल जाता है। जॉब का सीन ये है कि जॉब तो पर्थ में भी किसी ना किसी तरह बाद में आके मिल ही जाती है, लेकिन सिडनी मेलबर्न में एक अभी भी जॉब्स काफ़ी हैं, तो इनफ जॉब्स हैं अभी भी वहाँ पे, तो कुछ ना कुछ करके जॉब मिल ही जाती है सिडनी मेलबर्न के अंदर। तो अगर आप अल्लाह वास्ते वाले हैं ना कि भाई कोई जानने वाला नहीं है, तो मैं कहूँगा सिडनी और मेलबर्न आए, पहले बड़े शहर आ जाएँ, अपने आप को ज़रा सा ऑस्ट्रेलिया को सीखें ना, समझें ऑस्ट्रेलिया में हो क्या रहा है, ऑस्ट्रेलिया को सीखें समझें, उसके बाद भाई आपको जहां दिल चाहे चले जाएं, पीआर के लिए पर जाना है, एडिलेड जाना चले जाएगा, पहले बड़े शहर में आए। अच्छा जी तो ये सीन चल रहा है और सिडनी मेलबर्न का, उसके बाद आते हैं यार इसने क्या कर रहा है बाल ने, एडिलेड। एडिलेड है हमारा इस्लामाबाद, छोटा सा खूबसूरत सा शहर है, सन्नाटा सुकून, शाम में सब सो जाते हैं, अच्छा सुकून का शहर है, सुथरा शहर है, कोई तंग नहीं करता, अपने काम से काम रखते हैं लोग, ठीक है। तो एडिलेड का ये सीन है, लेकिन एडिलेड के अंदर भाई तीन मेजर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनी एडिलेड, यूनी एसे और उसके बाद फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी। यूनी एडिलेड आप सोचिएगा भी नहीं अगर आपको फ़ीस खुद से निकालनी है, क्यों भाई 15 से 18,000 डॉलर तो फीस है, अगर स्कॉलरशिप मिल भी जाती है तो वो कहते हैं कि 80% मेंटेन रखनी है, अदरवाइज गई आपकी स्कॉलरशिप, ठीक है। नंबर वन तो ये हो गया, दूसरा वो कहते हैं भाई आपने कहीं और नहीं जाना, आपने यूनी एडिलेड में ही रहना है, ठीक है। मतलब वो 3 से 4 दिन बुला भी रहे हैं भाई मेजर जो बैचलर्स की डिग्री वालों को, कैसे करोगे, कैसे अफोर्ड करोगे, 3 दिन कैसे चले जाओगे, 3 दिन जाने के बाद आपको फिर कमाना भी है, पढ़ना भी है उसके बाद, इम्पॉसिबल है, बेवकूफ़ाना बात है। अभी कोई 30-40 स्टूडेंट ऐसे मेरे पास बैठे हैं जिनका यूनी एडिलेड से हम चेंज करवा रहे हैं, तो भाई प्लीज़ फ़ायदा नहीं है ना, उसको आप चूज़ ना करें। यूनी एसे फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी, इनकी फ़ीस 13 से 15,000 डॉलर तक इनकी फ़ीस है, ठीक है। क्या ये फ़ीस निकल जाएगी एडिलेड में? नहीं निकल सकती, लेट्स बी ऑनेस्ट, नहीं निकल सकती। तो जॉब्स इतनी नहीं है यहाँ पे, जॉब्स वैसे ही कम है, आप फ़ीस निकाल सकते हैं 6 से 8,000 डॉलर बस, इससे ज़्यादा फीस के लिए आपको स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। मास्टर्स पे आ रहे हैं शायद निकल जाए, मास्टर्स वालों की निकल जाएगी, बैचलर्स वालों की नहीं निकलेगी, ठीक है। अभी जो हालात चल रहे हैं, हाँ सेम चीज़, अगर जैसे कोई बैठा हुआ है आपका, कि कोई बंदा बैठा हुआ है जो यहाँ पे सेटल्ड है, कह रहा है आ जाओ घर भी करवा देता हूँ, जॉब भी करवा दूंगा, यहाँ पे मेरे जानने वाले की कंपनी इधर जॉब हो जाएगी, तो फिर तो आ जाए, फिर तो आ जाए। या आपको घर से सपोर्ट है कि हाँ भाई मुझे घर से अगर कुछ नहीं होता तो मुझे फीस आ जाएगी, तो बस फिर तो ठीक है। तो एडिलेड से अच्छा शहर और कोई नहीं होगा, मैं कहूँगा एडिलेड बड़ा ज़बरदस्त शहर है, सुकून है भाई, सब अपने काम से काम रखते हैं, खूबसूरत शहर है, एडिलेड भी देखिएगा, एडिलेड को नज़र में रखें। अच्छा ये मेजर सिटीज़ हैं, ब्रिस्बेन की अगर बात करें, ब्रिस्बेन के अंदर लोग इतने ज़्यादा उसको पसंद नहीं करते क्योंकि वहाँ की इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ लोग कहते हैं कि यार इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये कि लोग ब्रिस्बेन भी अभी जा रहे हैं, वहाँ पर क्या सीन है, जॉब्स वो कह लें कि पर्थ एडिलेड और सिडनी मेलबर्न के बीच में चल रहा है, इस तरह समझ लें ब्रिस्बेन को। लेकिन रिकमेंडेशन हर शहर के लिए सिडनी मेलबर्न के अलावा मेरी यही है, अल्लाह वास्ते मत आइएगा, क्यों? अब जैसे अभी ग्रुप पे पोस्ट आई हुई थी, रोज़ आ रही है कहीं ना कहीं मैसेज आ रहे हैं, मैं बैठा हुआ हूँ एडिलेड एयरपोर्ट पे, जिसने लेने आना था वो लेने ही नहीं आया। अच्छा भाई क्यों, क्या हुआ? नंबर बन जा रहा है उसका, अब क्या करें, 4 घंटे से बैठा हुआ है सिडनी एयरपोर्ट पे, बैठा हुआ भाई 8 घंटे हो चुके हैं, कोई लेने ही नहीं आया, बैठा हुआ जिसने कहा था उसने वो कॉल नहीं उठा रहा। तो भाई इस तरह की कच्ची सेटिंग में ना आइएगा। हम ग्रुप पे अक्सर पोस्ट देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि मैंने फ्लाइट बुक कर ली है, अकोमोडेशन नहीं हुई, भाई कैसे बुक कर लिया आपने फ्लाइट? तो प्लीज़ इस तरह की बेवकूफाना हरकत ना कीजिएगा। देखें मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, जब हालात अच्छे होते हैं मैं आपको वो भी बताता हूँ, जो करंट सिचुएशन है मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। आएँ, बिल्कुल आएँ भाई, हम तो चाहते हैं आप आएंगे तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा, हम तो चाहते हैं ये आप आएँ, लेकिन ये ना हो कि आप जो
ख्वाब लेके आ रहे हैं ना, वो चकनाचूर हो जाए और इतने चकनाचूर हो जाए कि फिर आप बिल्कुल ही पटरी से उतर जाएं, पढ़ाई वढ़ाई करें, फिर तिल ले लें और आप बिल्कुल ही तबाह बर्बाद हो जाएं। ये ना करें, हम ये नहीं चाहते। अक्सर स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, उनको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, यार ये यूनिवर्सिटी देख लो, वो यूनिवर्सिटी देख लो, नहीं कुदा भाई ये तो भाई QS रैंकिंग में टॉप 10 में भी नहीं आ रही, ये रैंकिंग तो देखें। मैं कह रहा हूँ भाई अपने बैंक की भी तो रैंकिंग देखो, तुम्हारे पास फीस रखी हुई है, तुम कह रहे हो कि मैं टोटल 12,000 अफोर्ड कर सकता हूँ और तुम्हें चाहिए QS रैंकिंग की हाईएस्ट यूनिवर्सिटी, तो भाई ये जो दिमाग में आपने रखा हुआ है ना उसको जरा निकालें कि मुझे हाईएस्ट पे जाना है, वो जाना है। आप यहाँ पे इतनी फीस पे अगर आप आ रहे हैं, सॉरी आप पढ़ने वढ़ने नहीं आ रहे, आपसे पैसा छापने के लिए आ रहे हैं। तो अगर आपने अपने आप को बेवकूफ़ ना बनाएं, अपने आप से सच बोलें, ठीक है जी। तो और गाइडेंस किसी ढंग के बंदे से लें, इस तरह की ग्रुप्स व्रुप पे मत जाएं। वो जो कह रहा था मियां चन्नू से बैठ के कि आ जो कर्टिन की 16,500 फीस निकल जाएगी, प्लीज़ इस तरह ना करें। ये ग्रुप्स की और वीडियोस देख के लोग अक्सर कहते हैं हाँ भाई बेस्ट हो गया, हमें सब पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सही बंदे से गाइडेंस लें, किसी रजिस्टर माइग्रेशन एजेंट से मिलें, PR के हवाले से बात करनी है, क्वालिफाइड एजुकेशन एजेंट काउंसलर से बात करें अगर आपको एजुकेशन का मशवरा लेना है, ठीक है जी। तो ये मेरी राय है आपके लिए। और बाकी ये कि भाई इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत अच्छा मुल्क है, बिल्कुल आप आएँ लेकिन तैयारी करके आएँ। और अगर आपको अपॉइंटमेंट हमसे बुक करना है तो भाई डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक मौजूद है, अपने करियर काउंसलिंग के हवाले से कोई भी अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। तो ये थी आज की कहानी, मेरा नाम है कुतैबा महमूद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा, और अगर दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हो तो अच्छा पढ़ लो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।